दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि एंड्रॉयड फ़ोन का IMEI नंबर कैसे रिपेयर करते हैं। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात सुन लो, IMEI नंबर रिपेयर करना गलत नहीं है, लेकिन IMEI नंबर चेंज करना गलत है। ठीक है, तो याद रखो, अगर ऐसा कुछ करोगे गलत तो आगे जाके बहुत दिक्कत हो जाएंगी, चक्की पीसने के लिए रेडी हो जाओ भाई। ठीक है, चलो अब मुद्दे पे आते हैं और बात करते हैं IMEI कैसे रिपेयर करना है। तो इसके लिए कुछ कंडीशंस है। तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि आपका जो फ़ोन है ना वो क्वालकम बेस्ड CPU पे होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये रहेगी कि आपके फ़ोन में आपको डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल करना पड़ेगा, और डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल करने के लिए आपका फ़ोन रूट होना चाहिए। अदरवाइज़ दूसरी एक मेथड है जिसमें रूट की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन उसमें आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 या फिर उससे नीचे का होना चाहिए। तो उस केस में क्या करना पड़ता है कि एक डायल पैड ओपन करके कोड डायल करना पड़ता है जिससे आप डायग्नोस्टिक पोर्ट को इनेबल कर सकते हो, और कोड गूगल पे मिलेगा, वहाँ पे सर्च कर लेना। अगर आपका एंड्रॉयड वर्जन 8 या फिर उससे ऊपर का है तो आपको रूट की ज़रूरत पड़ेगी, आपका फ़ोन रूट होना ही चाहिए। रूटिंग से रिलेटेड वीडियोस, एंड्रॉयड कस्टमाइजेशन, सभी वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगी, जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। अगर आपको ये रूटिंग नहीं जम रहा है, इतना लोचा नहीं चाहिए, तो आप फ़ोन को किसी मोबाइल रिपेयर शॉप में या फिर सर्विस सेंटर में दे दो, उनके पास पेड टूल्स और बॉक्सेस होती हैं, वो इजीली आपका IMEI रिपेयर कर देंगे। ठीक है, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स मिलेगी। तो चलिए लेट्स बिगिन। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये है मेरा पोको F1। इसका IMEI नंबर उड़ गया था और जो नेटवर्क सेक्शन है वहाँ पे नो सर्विस बता रहा था। ठीक है, मैंने इसका IMEI चेक किया तो वहाँ पे 00 लिखा आया था, कुछ भी शो नहीं हो रहा था IMEI भी। तो कल ही मैंने इसको फिक्स किया। प्रोसेस जो है वो सभी क्वालकम डिवाइसेस के लिए सेम रहेगा। यहाँ पे पोको F1 एज ए एग्जाम्पल समझ लो। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या है कि डेवलपर ऑप्शन इनेबल करना होगा और उसमें USB डीबगिंग को इनेबल करना है। उसके बाद फोन को साइड में रख देना है। तो यहाँ पर जो है आपको कुछ फाइल्स लगेंगी, उसकी इन्फॉर्मेशन देता हूँ आपको। तो यहाँ पे सबसे पहली फाइल लगेंगी QCN फाइल। तो वो कैसे डाउनलोड करेंगे? QCN फाइल फॉर पोको F1, QCN फाइल फॉर जो आपका मोबाइल का नाम है वो डालो, उसके बाद सर्च करो, जो भी वेबसाइट आएगा उसको ओपन करो और वहाँ से QCN फाइल को डाउनलोड करो। तो ये रहा पहली वेबसाइट मैंने ओपन किया, स्क्रॉल डाउन करते हैं, ये रहा पोको F1 का QCN फाइल। सिंपली डाउनलोड करना है, इस QCN फाइल को PC में डाल के रखना है। ऐसे ही जो फ़ोन होगा उसका डाउनलोड करना है आपका। ठीक है, QCN फाइल Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 5 Pro, जो भी है उसका QCN फाइल डाउनलोड करना है आपको गूगल से। ठीक है, बाकी जो भी टूल्स लगेंगी उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करने वाला हूँ, तो वीडियो को एकदम ध्यान से देखना। और हाँ, यहाँ पर मैं पूरा वीडियो डिटेल में नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं बता सकता हूँ, कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं।